है कि अचानक जब लॉकडाउन लगा और तो स्कूल अचानक बंद हुए और मिड डे मील और आंगनवाड़ी में जो बच्चों को भोजन मिलना चाहिए था वो सारा एकदम से बंद हो गया। और कुछ आंकड़े सरकार के हैं जो पीडीएस के हैं कि जो 3,35,000 टन आमतौर से सप्लाई होती थी वो घट के लगभग 109,000 टन रह गई, और आईसीडीएस के अंदर तो ये और भी ज्यादा कम हो गई। और इसलिए जो है जो बच्चों को लॉस होना था उस समय वो तो हो ही गया। इस कोर ने पैरवी की उत्तर प्रदेश के अंदर, बच्चों को शायद अभी लिस्ट बन रही है और ये खाद्यान्न मिल जाए, लेकिन जो लॉस होना था वो लॉस हो गया बच्चों की सेहत को। दूसरा, इस दौरान स्वास्थ्य का भी जो चेकअप जो इम्यूनाइजेशन था वो भी सारा नहीं हुआ, तो बच्चों की सेहत पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और 60% के आसपास जो बच्चे हैं कुपोषण है वो पहले था पिछले साल तक, मैं समझती हूँ कोविड के इस दौरान में और ज्यादा ये रह गया होगा। लेकिन ये सच है जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ये सारी नीतियां सरकार की सब कुछ खत्म करने की पहले से चल रही थी, और कोविड के रूप में उन्हें जो है एक अवसर ये मिला है कि वो अपनी नीतियों को लागू कर सके। तो मिड डे मील और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बहुत खराब रही। हॉट कुक जो मैं समझती हूँ सब जानते होंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर पे हॉट कुक मिलता है और प्लस टीएचआर होता है, टेक होम राशन होता है। तो टेक होम राशन तो घर घर करके इन्होंने काफी वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन जो हॉट कुक है वो जब से ये सरकार आई है तब से बच्चों को नहीं मिला है, लगभग 3 साल हो गया है। तो ऐसे में और यही बच्चे फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं खराब सेहत के साथ और उसका असर उनकी पढ़ाई पे पड़ता है। तो मैं सिर्फ इस न्यूट्रिशन के संबंध में, क्योंकि जो प्रवासी बच्चे आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल के अपने घर तक किसी तरह अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं, जो पहले से हमारे बच्चे वहां पर हैं उन पे अलग प्रभाव पड़ा है। तो एक भूखमरी और एक भूख चला गया ये भूखमरी और उसकी स्थिति बन गई है कुपोषण की। तो ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि ये सुझाव जाना चाहिए आरटी फोरम की तरफ से कि बच्चों को मिड डे मील के साथ में मॉर्निंग स्नैक्स भी दिया जाए, और मॉर्निंग स्नैक्स में स्थानीय जो फूड है तो बच्चे खाते हैं जैसे गुड़ है चना है उनके टेस्ट की इस तरह की चीजें दी जाए। दूसरा मेरा सुझाव है कि जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाए। पहले भी हमने काफी देखा था कि बच्चों को जरूरत के अनुसार वो नहीं मिल पाता है और क्वालिटी भी खराब है, तो ये जरूरी है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो उसकी बढ़ाई जाए। तीसरा सुझाव है कि अभी कोविड का सहारा लेके मिड डे मील वर्कर्स को सब जगह निकाला जा रहा है, यानी जो सिस्टम एक समय में बन के आया भले कितना भी फॉल्टी था वो सिस्टम भी खत्म किया जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए भी ये एडवोकेसी जो है बेहद जरूरी है। इस बीच में स्कूलों में जो मिड डे मील वर्कर्स थे उन्होंने क्वारंटाइन किए, स्कूल क्वारंटाइन किए गए और उन्होंने खाना बनाया है, और स्कूलों का सैनिटाइजेशन करके उन्हें खोलने की बात होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत तरह की बातें जो कंसर्न चिंताएं अमरीश जी ने रखी हैं और चम्पाकांत जी ने भी रखी हैं कि इन सब चिंताओं के बीच में हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि बच्चे अपने घरों में कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग या बहुत अच्छे ऐसे माहौल में नहीं है। उनके घरों की जो हालत है, उनके पोषण की जो हालत है, जो बेरोजगारी की हालत है उनके माता पिता की, ऐसे में स्कूल जो है वो खुलने चाहिए और स्कूलों में प्रॉपर सावधानी के साथ में, जो शायद आने वाले वक्त बताएंगे, उस सावधानी के साथ में स्कूल खोलने पे हमें जोर देना चाहिए। और स्कूल में ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इमारत या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन जैसी भी हालत में है वो बच्चों का जो घर है जहां वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम एक पढ़ने का उनका एक स्थान होगा जहां वो घर से निकल के पढ़ सकते हैं और दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। यही मेरा आखिरी मुद्दा था कि हमें स्कूल खोलने पे जो है जोर देना चाहिए, क्योंकि कोविड का सहारा लेकर के जब सारे काम ये कर रहे हैं तो फिर स्कूल भी खोल सकते हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया। मुझे आरटी फोरम और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि सिस्टम बन के निकल के आया है, खासतौर से इंडियन स्ट्रक्चर पूरा जो है जो भी स्थिति में है,
लेकिन इसको बचाने का एक संघर्ष का सहयोग हम लोगों को एक किसी से लाना पड़ेगा। और क्वांटिटी और क्वालिटी की बात तो हम लोग लगातार कर ही रहे थे, लेकिन क्वांटिटी का एक नया आयाम आपने जुड़ा है, और निश्चित रूप से हम स्कोर की तरफ से आने वाले समय में इसको भी जो पॉइंट जो आपने मॉर्निंग स्नैक्स का और जो ये क्वांटिटी बढ़ाने की बात आपने की है, इसको भी हम लोगों को जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि स्कूल को बचाने का मतलब है समग्रता में सब चीजों को बचाना, सब चीजों जो उससे जुड़ी हुई है, जो उसको एक सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करती है, जो बच्चों को लेकर के जो परिस्थिति है, उन सारे ही मसलों के हमको स्कूल को कदम लेना पड़ेगा, अपनी आवाज देनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, और आप बनी रहे अभी इस मीटिंग में, हम आगे जब खुला सेशन आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे।